जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। ये कहावत अफगानिस्तान के लोगों पर क्या खूब बैठती है, क्योंकि तालिबान ने अपना सदाचार मंत्रालय फिर से शुरू करने का मन बना लिया है। ये वही मंत्रालय है जिस पर देश में शरिया कानून को लागू करने का जिम्मा है। इसे अफगानिस्तान पर अमेरिका के हमले के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अब तालिबान इसे वापस शुरू करने जा रहा है। मोहम्मद खलील इस मंत्रालय का मुखिया होगा। न्यूयॉर्क पोस्ट की खबर के मुताबिक ये बदनाम मंत्रालय बनने के बाद अफगानिस्तान के हालात बद से बदतर होने वाले हैं। इसके जरिए तालिबान सख्त शरिया कानून लागू करने जा रहा है। इसमें महिलाओं को बिना पुरुष साथी के घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा म्यूजिक और मनोरंजन के सभी माध्यमों पर पाबंदी होगी। अफगानिस्तान के सेंट्रल जोन के मुखिया मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि इस कानून को लागू करके इस्लाम की खिदमत की जाएगी। अफगानिस्तान में जुर्म की इंतहा कैसे होने वाली है, इसके बारे में मोहम्मद यूसुफ बड़े फख्र से बताते हैं। उसने बताया, हम इस्लामी नियमों के हिसाब से सजा देंगे। उदाहरण के लिए, हत्या करने पर अलग अलग तरीके से सजा मिलेगी। कोई जानबूझकर किसी को हत्या करेगा तो उसे सरेआम मार दिया जाएगा। अगर उसने गलती से किसी की हत्या की है तो उससे उसकी कीमत का जुर्माना वसूल लिया जाएगा। कोई चोरी करता है तो हाथ काटे जाएंगे। कोई अवैध संबंध रखेगा तो पत्थर से मारा जाएगा। तालिबान के पुराने शासन यानी कि 1996 से 2001 में महिलाओं को बुरके में ढक दिया गया था और बिना मर्द के वो घर से बाहर नहीं जा सकती थी। प्रार्थना के समय को सख्ती से लागू किया गया था और मर्दों को दाढ़ी बढ़ाने के लिए कहा गया था। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक मोरल पुलिस अब हर सड़क और चौराहे पर तैनात रहेगी। उन्हें कानून को तोड़ने वालों को कोड़े, बेत, अंगों को काटने या सजाए मौत देने का भी अधिकार होगा। इन सब के उदाहरण इन दिनों काबुल की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल, इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।